हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पूजाबित एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट का सेशन एसएससी जीडी पुराने पेपर की सीरीज में। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट तीनों शिफ्ट डेट 10/1/2023। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, डेढ़ वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 288 रुपये है, जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक 6% संयोजित किया जाता है और साधारण ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जाती है, तो राशि ज्ञात कीजिए क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2023 शिफ्ट 2 में पूछा गया सवाल है। ओके, तो देखिए इसमें ऑप्शन भी दिए हैं। तो ऑप्शन क्या दिया है, ए नंबर पर दिया है 46,531 रुपये और बी नंबर पर दिया है 46,900 रुपये, सी नंबर पर दिया है 47,000 रुपये और डी नंबर पर दिया है 46,875 रुपये। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, डेढ़ वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 288 रुपये है, जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से
संयोजित किया जाता है और साधारण ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जाती है, तो राशि ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2023 शिफ्ट 2 में पूछा गया सवाल है। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, अर्धवार्षिक। ओके, तो अर्धवार्षिक का मतलब होता है ब्याज साल में एक बार जाता था, अब हर 6 महीने में जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर कितना दिया है, 8% इंटू 1.5 वर्ष। ओके, तो यहाँ पे देखिए 8 इंटू कितना हो जाएगा, 2 × 1 = 2 और 1+ करेंगे कितना, 3/2, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12%। ओके, तो ये क्या आ गया, साधारण ब्याज। ओके, 12%। तो अब इसमें क्या निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर रेट कितना जाएगा, साल का दर ना हो जाएगा, आधा, 8/2, तो कितना हो जाएगा, 4%। ओके, तो यहाँ पे देखिए टाइम बराबर 1.5 साल का कितना, 6 महीने का कितने जोड़े बन जाएंगे, 3। ओके, फर्स्ट साल बराबर कितना, 4%, सेकेंड साल बराबर 4+0.16 बराबर प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 4.16। थर्ड साल कितना हो जाएगा, 4.16+ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1664। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 4.3264। ओके, तो यहाँ पूरे को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 12.4864। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज और ये क्या है, साधारण ब्याज। तो इसमें देखिए अंतर, डिफरेंस कितने का होगा, 48-64 का। ओके, तो के बीच का अंतर कितना होगा, 288। ओके, तो यहाँ पे देखिए 1% का कितना होगा, 46,875। ओके, 100% का होगा, 46.875। ओके, तो यही इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो इतना क्लियर हुआ सभी को। तो फिर से देखिए क्या करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, साधारण ब्याज बराबर क्या रखेंगे, 8% इंटू 1.5 वर्ष बराबर 8 × 2 = 2 और 1+ करेंगे कितना, 3/2, 12, तो गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 12%।
चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, रेट ना बराबर 8/2, तो साल की दर कितनी होगी, आधी, तो 4%। ओके, टाइम बराबर कितना, डेढ़ वर्ष, तो कितना, 6-6 महीने में 3 जोड़े बन जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट साल कितना, 4%, सेकंड साल 4+0.16 बराबर, प्लस करेंगे तो कितना, 4.16। थर्ड साल 4.16+ कितना, गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 1664। ओके, बराबर ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, 4.3264, पूरे को ऐड करेंगे कितना, 12.4864। ओके, तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, 12.4864, और साधारण ब्याज 12%, तो डिफरेंस कितने का होगा, 4864 के बीच का अंतर कितना है, 288। ओके, तो यहाँ पे देखिए 1% का कितना हो जाएगा, 46.875, और 100% का कितना हो जाएगा, 46.875। ओके, तो यही इसका राइट आंसर होगा, तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इतना सभी को समझ में आया, तो समझ में आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो नोट कर लीजिए, तो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जॉन ने एक बैंक से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कुछ राशि उधार ली, जिसके लिए ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि संयोजित किया जाना है, किया जाना था, यदि उसने 4 वर्ष के अंत में 21,691.50 का भुगतान करके अपना उधार चुकाया तो उसने
कितने राशि उधार ली थी। क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2023 शिफ्ट 2 में पूछा गया सवाल है। ओके, तो देखिए इसमें ऑप्शन दिए हैं, तो ऑप्शन क्या दिया है, ए नंबर पर दिया है 17,000 और बी नंबर पर दिया है 16,000 और सी नंबर पर दिया है 15,000 और डी नंबर पर दिया है 14,000। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, जॉन ने एक बैंक से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कुछ राशि उधार ली, जिसके लिए ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि संयोजित किया जाना था। यदि उसने 4 वर्ष के अंत में 21,691.50 का भुगतान करके अपना उधार चुकाया, तो उसने कितने राशि उधार ली थी। तो ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2023 शिफ्ट 2 में पूछा गया सवाल है। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, 21,691.50 बटा 100। ओके, तो यहाँ पे देखिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कुछ राशि उधार ली। ओके, तो यहाँ पे देखिए 10% का कितना होता है, 1/10। ओके, तो यहाँ पे 10 में 1+ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11/10। ओके, तो इंटू 10/11 इंटू 10/11। तो यदि उसने 4 वर्ष के लिए कितना अंत में, ओके, तो 4 वर्ष पूछा है तो यहाँ पे 4 बार गुणा करेंगे। ओके, तो इंटू 10/11 इंटू 10/11। ओके, तो यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो यहाँ पे देखिए 11 से 11 का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 242, और इसको काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 15। ओके, तो यहाँ पे क्या बचा, 15, 10, 10 और 10, तो आंसर क्या बन जाएगा, 15,000। ओके, तो यही इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन में देखिए सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, 21,691.50 बटा क्या रखेंगे, 100%। ओके, तो यहाँ पे देखिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि दिया है तो 10% का कितना हो जाता है, 1/10, 10 में 1+ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11/10। तो यहाँ पे 4 वर्ष पूछा है तो 4 बार गुणा करेंगे तो 10/11 इंटू 10/11 इंटू 10/11 इंटू 10/11, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 कट जाएगा कितने बार में, 242, 242 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 15 बार में, तो आंसर क्या बन जाएगा, 15,000। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके,
तो नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से दिया है। क्वेश्चन दिया है 80,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक ब्याज पर ब्याज की वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर कितने समय में वर्षों में एक लाख 17,000 128 हो जाएगी क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन SSC GD 2023 शिफ्ट 1 में पूछा गया सवाल है। तो इसमें ऑप्शन भी दिए हैं। तो ऑप्शन क्या दिया है, ए नंबर पर दिया है 3.5 वर्ष और बी नंबर पर दिया है 4 वर्ष और सी नंबर पर दिया है 2.5 वर्ष और डी नंबर पर दिया है 2 वर्ष। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, 80,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक ब्याज पर ब्याज के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर कितने समय में वर्षों में 117,128 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन SSC GD 2023 शिफ्ट 1 में पूछा गया सवाल है। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, अमाउंट प्रिंसिपल। ओके, तो देखिए क्या दिया है, अमाउंट मिश्र धन क्या दिया है, 170,128 बटा मूलधन कितना दिया है, 80,000 के। तो ये कितने से कट जाएगा, तो देखिए अंतिम अंक में क्या दिया है, 8, तो ये 8 की भाजकता है। ओके, यहाँ पे भाजकता लग रही है, तो देखिए ये 8 से कट जाएगा, कितनी बार में, 14 641। और यहाँ पे देखिए कितनी बार में कट जाएगा 8 से, 110,000। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, 11/10^4। ओके, तो यहाँ पे देखिए 11 को 4 बार गुणा करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा इसका, 4 वर्ष। ओके, तो यही इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें देखिए बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो इतना क्लियर हुआ सभी को। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है,
अमाउंट मिश्र धन कितना दिया है? 1,70,128। और मूलधन कितना दिया है? 80,000। ओके, तो देखिए ये 8 से कट जाएगा कितनी बार में? 14,641। और 80,000 कट जाएगा कितने से? 10,000। ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 11/10^4। तो 11 को 4 बार गुणा करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी। ओके, और 10 को गुणा करेंगे 4 बार तो कितना बन जाएगा? 10,000। ओके, तो आंसर क्या बन जाएगा? 4 वर्ष। ओके, तो इतना क्लियर हुआ सभी को? तो नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से दिया है। एक वस्तु का मूल्य 2 वर्ष में घटकर 18,000 से 14,580 हो गया। वस्तु के मूल्य में मूल्य ह्रास वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2023 शिफ्ट 3 में पूछा गया सवाल है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या दिया है इसमें। ए नंबर पर दिया है 8% और बी नंबर पर दिया है 12% और सी नंबर पर दिया है 10% और डी नंबर पर दिया है 9%। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। एक वस्तु का मूल्य 2 वर्ष में घटकर 18,000 से 14,580 हो गया। तो वस्तु के मूल्य में मूल्यह्रास वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ओके, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2023 शिफ्ट 3 में पूछा गया सवाल है। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसको हल करते हैं। अमाउंट प्रिंसिपल के तो मिश्र धन कितना दिया है? 18,000/ और मूलधन कितना दिया है? 14,580। के तो देखिए ये कितने से कट जाएगा? 9 से कितनी बार में कट जाएगा? 162। और ये कितनी बार में कट जाएगा? 9 से।
अमाउंट प्रिंसिपल, तो मिश्रधन बटा मूलधन तो कितना दिया है 18,000, मूलधन कितना दिया है 14,580, तो ये कितने से कट जाएगा, 9 से कितनी बार में 200, और ये 9 से कितनी बार में कट जाएगा 162। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये 2 से कितनी बार में कट जाएगा 100, और ये 2 से कितनी बार में कट जाएगा 81। ओके, तो यहाँ पे देखिए 100 किसका स्क्वायर है 10 का, और 81 9 का। ओके, तो पावर कितना लग जाएगा 2। तो यहाँ पे देखिए 10 कितना 9। ओके, तो यहाँ पे 1/10 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो आंसर क्या बन जाएगा 10 × 1 करेंगे कितना 10%। ओके, तो यही इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन में इसका सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें देखिए फिर से क्या करना है, अमाउंट प्रिंसिपल कितना दिया है 18,000/14,580, 9 से कट जाएगा कितनी बार में 162, और ये 9 से कट जाएगा 200 बार में, 2 से 200 कट जाएगा कितनी बार में 100, और ये 2 से कट जाएगा कितनी बार में 81। ओके, तो 100 किसका स्क्वायर है 10 का, और 81 9 का। ओके, तो 10/9 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखिए 10 कितना हो जाएगा 9, 1/10 इंटू 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 × 1 तो कितना 10% इसका आंसर आएगा, तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो इतना क्लियर हुआ सभी को, तो नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, पांच हजार 750 पर एक वर्ष के लिए 16% की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज के बीच का अंतर है क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2023 शिफ्ट 3 में पूछा गया सवाल है। ओके, तो देखिए इसमें ऑप्शन भी दिए हैं, तो ऑप्शन क्या दिया है, ए में दिया है 49.76
और बी नंबर पर दिया है 32.58 और सी नंबर पर दिया है 29.50 और डी नंबर पर दिया है 36.80। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, 5,750 पर एक वर्ष के लिए 16% की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले ब्याज के बीच का अंतर है। तो ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2023 शिफ्ट 3 में पूछा गया सवाल है। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर कितना 16%। ओके, तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, अर्धवार्षिक के बराबर तो कितना 16/, तो साल में दर कितनी होगी आधी, तो 16/2 बराबर कितना 8%। ओके, तो यहाँ पे देखिए टाइम बराबर कितना हो जाएगा इसमें 6-6 महीने में कितना 2, फर्स्ट साल 8% और सेकंड साल कितना 8+.64, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16.64। ओके, तो यहाँ पे देखिए कितना 16.64 और 16 में डिफरेंस कितने का होगा, तो यहाँ पे देखिए क्या रखेंगे, 5,750 और कितना 0.64 के बटा परसेंट क्या रखेंगे, यहाँ पे 100 पॉइंट हटेगा तो 2 0 के, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो यहाँ पे देखिए ये 25 से कितनी बार में कट जाएगा 23 और ये 25 से कितनी बार में कट जाएगा 40 और 40 कितनी बार में कट जाएगा 5 और 64 कट जाएगा कितना 8। ओके, तो इतना क्लियर हुआ सभी को, तो यहाँ पे देखिए 23 × 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 × 4 = 16 + 2 = 18। ओके, और बटा 5, तो देखिए 184 को 5 से काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा 36.8। ओके, तो यही इसका राइट आंसर होगा, तो देखिए डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो इतना क्लियर हुआ सभी को, फिर से देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर 16%, कंपाउंड इंटरेस्ट अर्धवार्षिक बराबर 16/2 बराबर 8%, तो टाइम कितना 2 जोड़े बनेंगे, तो फर्स्ट साल कितना 8%, सेकेंड साल 8+.16 ऐड करेंगे 16.64, डिफरेंस कितने का होगा 0.64 का, 5,750 इंटू 0.64 बटा परसेंट क्या रखेंगे 100 के, तो यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो 2 0 लगेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 575 कट जाएगा 25 से 23 बार में, और 100 कट जाएगा कितने बार में 25 से 44 बार में, और 64 कट जाएगा कितने से 8 और 40 कट जाएगा 5 के। तो यहाँ पे देखिए
23 × 8 करेंगे कितना, 184 बटा क्या रखेंगे 5, 184 को 5 से काटेंगे कितना 36.8। ओके, तो इसका डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो यहाँ पे गुणा करेंगे। ओके, तो इतना क्लियर हुआ सभी को, तो नोट कर लीजिए। आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।